कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाए जाने पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सराहना की है, लेकिन साथ ही प्रदेश सरकार से मजदूरों की मदद करने और उन्हें अलग अलग राज्यों से वापस लाकर उनके घरों तक पहुंचाने की अपील भी की है। प्रियंका गांधी ने वीडियो जारी कर राज्य सरकार से मजदूरों की मदद करने और उन्हें अलग अलग राज्यों से वापस लाकर उनके घरों तक पहुंचाने की अपील की है। जो यूपी के प्रवासी मजदूर अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं उनसे मैं बात कर रही हूँ। मैंने राजस्थान में, दिल्ली में, सूरत में, इंदौर में, भोपाल में, मुंबई और अन्य प्रदेशों में फंसे हुए लोगों से बात की। उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? मजदूरी करने के लिए ये लोग बड़े बड़े शहरों में गए, लॉकडाउन हुआ, मजदूरी बंद हो गई, आगे चलते चलते राशन भी खत्म हो गया। अब 6-6 लोग, 8-8 लोग एक कमरे में बंद हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, राशन मिल नहीं रहा है, बहुत ही घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और किसी भी तरह से घर जाना चाहते हैं। और हम इनको दोषी ठहरा नहीं सकते कि आप घर जाना चाहते हैं, हम और आप भी तो अपने परिवारों के साथ रहना चाहते हैं। हमें इनकी समस्या को हल करने का तरीका ढूंढना चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी है, मेरी है, आपकी है, हर सरकार की है। यूपी के एक एक मजदूर की जिम्मेदारी, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, वो यूपी की सरकार की है, तो हम उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं यूपी सरकार को बधाई देना चाहती हूँ कि कोटा से आप छात्रों को घर वापस ले आए, लेकिन ये मजदूर भी तो आपके हैं, ये भी तो हमारे हैं, इनके भी परिवार त्रस्त हैं, परेशान हैं, इनके पास खाने को नहीं है और हम घर नहीं ला पा रहे हैं। तो मैं आग्रह करती हूँ कि कम से कम एक हेल्पलाइन, कम से कम 1000 लोगों का कंट्रोल रूम हो, जिससे ये लोग आप तक अपनी समस्याएं पहुँचा पाए। तो आप अलग अलग प्रदेशों में दूसरी सरकारों से इनके लिए मदद करवा पाए। दूसरी बात कि किसी न किसी तरह से तो हमें इनकी समस्या को हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक ऐसा प्लान बनाया जाए ताकि ये लोग अपने ज़िले में वापस आ सकें। देखिए, हम इनको इस तरह नहीं छोड़ सकते। मेरा अपील है हर देशवासी से, यूपी की सरकार से, कि हम इनकी मदद करें। यूपी के शाहजहांपुर में कोटा से लौटे छात्रों का स्थानीय स्तर पर भी चेकअप किया जा रहा है।